अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की गर्मी अब तेजी से आगे बढ़ते जा रही है, प्रचार में रंग भरना शुरू हो गया है। अपने अपने तौर पर जो है उम्मीदवार मतदाताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने समर्थकों तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ मंगलवार को रात 8 बजे शंकर मंदिर के एक समाज मंदिर हॉल में। वहाँ पर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गुट, श्रमजीवी संगठन आदि संगठनों के उम्मीदवार, कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने, इन तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन तो कोई खास नहीं किया, मगर सबसे ज्यादा उन्होंने निशाना साधा बगैर नाम लिए कलवा मुमरा के विधायक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ठाणे के सर्वे सर्वा जितेंद्र आवाड़ को। उन्होंने कहा, काम नगर सेवक करते हैं मगर ये महाशय नारियल फोड़ करके उसका क्रेडिट लेते हैं, और दूसरे के कामों का क्रेडिट लेने के लिए ये महाशय चोरों की तरह रात में जाकर के उनका उद्घाटन करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो काम उन्होंने किए हैं। तो चुनाव को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अन्य महागाड़ी के जो दल है उनको मिला करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है बाबाजी पाटिल, उनको लेकर के क्या कहा शिवसेना के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने। कुल कौसा मुमरा, कलवा, दीवा, इन तमाम इलाकों के लिए क्या कहा आप देखिए हमारी इस खबर में कि किस तरीके से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपनी बातों को रखा है और कितना मतलब उन्हें अपनी जीत का भरोसा और कॉन्फिडेंस भी है। आज या महायुतीच्या मेळाव्याला उपस्थित सर्व महायुतीचे कार्यकर्ते, आज खूप चांगलं वाटतंय की या मुंबऱ्यामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येमध्ये महायुतीचे कार्यकर्ते, म्हणजे इतकी बडी संख्यामध्ये महायुतीचे जो जो कार्यकर्ते आहे, शिवसेना आहे, बीजेपी है, आरपी आहे, इतनी बड़ी तादाद पर यहाँ पर मौजूद है, तो इससे हमें पता चलता है कि बुमराह की हवा अभी बदलने लगी है, बुमराह बदलने लगा है और आने वाले समय में बुमराह में बदलाव जो है वो होने वाला है। आज इस कल्याण लोकसभा के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। अभी मैं मलंगढ़ से आया, सुबह 9 बजे से लेकर अब तक मलंगढ़ में था। वहां पर अलग अलग गांव, उस गांवों में जाकर प्रचार और प्रसार हम कर रहे थे और सभी जगह पर एक अलग उत्साह है, अलग माहौल है, अलग जोश है इस कल्याण लोकसभा को लेके, इस कल्याण लोकसभा की सीट को लेके। लोगों में एक अलग विश्वास है इस कल्याण लोकसभा की सीट को लेके कि गए साल ये कल्याण लोकसभा की सीट 2.5 लाख की मार्जिन से आई थी और ये टाइम जो है कल्याण लोकसभा की सीट जो है 5 लाख के ज्यादा से मार्जिन से आई, क्योंकि ये लोगों का विश्वास है। गए 5 साल में जो हमने काम किए कल्याण लोकसभा में उसका ये परिणाम है। लोगों को एक अलग विश्वास आपके जो सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं उनके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि गए 5 साल में इस कल्याण लोकसभा में अलग अलग काम जो है हमने किए हैं, जो कई कई सालों से रुके हुए काम थे वो काम हमने शुरू करवाए, कई काम उसमें से खत्म हो गए, कई काम आज शुरू है। आज मुझे लगता है कि कल्याण लोकसभा जो है अलग अलग जाति से, अलग अलग रीजन से लोग यहाँ पर रहते हैं। मुमरा है, कलवा है, उल्लासनगर है, अमरनाथ है, कल्याण ग्रामीण है, तो अलग अलग तरीके, अलग अलग भाषा इस पूरे कल्याण लोकसभा में बोली जाती है। इसलिए मैं हमेशा मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लिटिल इंडिया, छोटा भारत में कहता हूँ, क्योंकि हर एक जाति के लोग जो इस कल्याण लोकसभा में रहते हैं, तो इस कल्याण लोकसभा में हर एक अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग समस्या है, अलग अलग समस्याओं को जुड़ाने का काम, सॉल्व करने का काम हम गए 5 सालों में हमने किया है। और आज इस मुमरा में भी एक अलग वातावरण है, क्योंकि लोग ज्यादा इस मुमरा में जुड़ रहे। आज ये मंच अगर देखोगे तो ये मंच सभी मान्यवरों से भरा हुआ है। मुमरा में जो परिस्थिति है, आज ये कलवा मुमरा नहीं है, सिर्फ मुमरा की आज मीटिंग है। कलवा की मीटिंग कुछ दिनों पहले हुई थी,
लेकिन आज मुंबई में इतनी बड़ी भारी संख्या में अगर कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का विश्वास जो है इस महायुति के उम्मीदवार पे है, इस महायुति पर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग आप तंग आ चुके हैं, वही वही भाषण, वही वही मुद्दे लोगों को गुमराह करने का जो गए 10 सालों में काम शुरू है, सिर्फ जुमलेबाजी बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? क्योंकि इस उम्रा में गए 10 सालों में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ बोला गया है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। अलग अलग विषय होंगे। आज इस उम्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमेशा अलग अलग बातों पर लोगों को अलग अलग मुद्दे इस उम्रा में, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज सबसे पहले तो इस मुद्दे पर मैं आता हूं कि कल्याण लोकसभा के लिए जब भी उम्मीदवार ऑपोजिशन ढूंढ रहे थे तो इनको कोई ऑपोजिशन नहीं मिल, मतलब उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। सबसे पहले तो इनके लीडर ने कहा कि हम ये सीट से लड़ेंगे, लेकिन फिर लीडर ने, मतलब मैं पक्ष के लीडर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बैकआउट कर दिया। फिर यहाँ पर कल्याण लोकसभा में कौन लड़ाई डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने लड़ेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो यहाँ के भी लीडर का वहां पे नाम था, लेकिन यहाँ के लीडर को तो लड़ना नहीं था, क्योंकि पता है लड़ने के बाद क्या हो जाएगा। हमें तो कलवा कुमरा के आगे कोई जानता नहीं है, कलवा भी नहीं, कुमरा में ही सिर्फ जानते हैं, वो भी जो लोगों को सीधे साधे बेचारे लोग हैं उनको बेवकूफ बनाने का काम गए 10 सालों में, बराबर है डॉक्टर जी? तो मुझे लगा ये खड़े हो जाएंगे तो वो एक अच्छी लड़ाई जो है वो इस कल्याण लोकसभा में देखने को मिलेगी। लेकिन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और महायुति के उम्मीदवार के सामने लड़ेगा कौन, तो इन्होंने भी बैकआउट कर लिया। तो अभी ढूंढने किसे? तो फिर कोई तो जैसे अफसर जी ने कहा जो कुछ है, क्योंकि हमारी लड़ाई आज उससे नहीं है, हम कहीं अलग स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कभी भी हमने सामने वाले उम्मीदवार को कभी कमजोर नहीं समझा है, लड़ाई लड़ाई की तरह लड़ते हैं हम। क्योंकि आज जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है वो एक अलग लक्ष्य है, अलग मार्जिन से इस कल्याण लोकसभा की सीट हमें निकालनी है, और ये लोगों के विश्वास में हम कह रहे हैं। लेकिन आज इस कल्याण में हो, कलवा में हो, मुंबरा में हो, मुझे लगा कि इस कल्याण लोकसभा की जिम्मेदारी जो है इस नेतृत्व ने ली रहेगी, लेकिन कलवा मुंबरा के सामने गाड़ी नहीं पड़ती है, वहां पे मुझे लगा आएंगे, भाषण करेंगे, लोगों को समझाएंगे, जो विकास हमने मुंबरा में किया है वही विकास हम कल्याण में करेंगे, वही विकास हम उल्लासनगर में करेंगे, मुंबरनाथ में करेंगे। लेकिन अक्सर भाई उधर मतलब गाड़ी मुंबरा से आगे ही नहीं जाती है, और यहाँ के लोगों को जो कहते हैं कि विकास हमने किया है 10 साल में, मैंने ये किया है 10 साल में, मैंने वो किया है, आज मुझे एक सिंपल से सवाल आप सभी से मैं पूछता हूँ, आज इस कलवा मुंबरा हो इसके ऊपर कौन सी पार्टी का वर्चस्व है, या ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके अंडर में आती है? शिवसेना के अंडर में आती है। कई 50 सालों में ये जो कॉर्पोरेशन में सत्ता है वो किसकी है? शिवसेना बीजेपी की है। तो ये सब शिवसेना का बीजेपी की अगर सत्ता है तो मुंबरा में अगर काम होता है, कलवा में अगर काम होता है, तो निधि कहां से आती है? थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। जिस थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा जो नगर सेवक है वो कौन से पार्टी के है? शिवसेना के है। अगर शिवसेना का है तो जब भी हर एक काम जो मंजूर होता है तो मंजूर काम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में या महासभा में मंजूर होने लगता है, तो महासभा में वोटिंग से मंजूर होता है, तो इस महासभा में किसके ज्यादा नगर सेवक है? शिवसेना के नगर सेवक है। तो एक क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है शिवसेना को। कभी भी शिवसेना के नगर सेवक ने ये सोचा नहीं कि हमारा कोई भी नगर सेवक आज मुंबरा में नहीं है तो हम इनके कामों को बंद करेंगे,
लेकिन आज कोई भी नगर सेवक इस बुमरा में शिवसेना का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो भी कभी भी शिवसेना ने जात पात या धर्म के नाम पर कोई भी अंतर नहीं किया। जो भी काम जो थाना में हो रहा है, कलवा में हो रहा है, वही काम मुंगरा में होना चाहिए। आज मुंगरा में बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, लेकिन ये महाशय जो है, ये भी काम हमने किया है, वो भी काम हमने किया है, स्टेडियम का काम भी हमने किया है, रेलवे स्टेशन का काम भी हमने किया। अरे रेलवे स्टेशन केंद्र की योजना है, वहां पर हजार का काम होता है, वहां पर अफसर को कौन पूछता है? मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर आप सांस लोगे तो वो भी कहेंगे कि आप जो सांस ले रहे हो मेरे वजह से ले रहे हो। आज मुझे यहाँ पर बताइए कि इस पुमरा में या कलवा में कोई भी राज्य सरकार के आप प्रतिनिधि हो, इस राज्य सरकार के माध्यम से कौन सा निधि यहाँ पर कलवा या मुंगरा में आया, एक काम आप बता दीजिए मुझे। आया है कोई काम? हर एक काम जो है भारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, और नगर सेवक के माध्यम से जो काम होता है उसका नारियल फोड़ने का काम ये महाशय जाके वहां पर करते हैं, वो भी खुले आम नहीं, चुपके से जाएंगे। कभी अगर कार्यक्रम हमारा लगा रहेगा तो कार्यक्रम का बोर्ड देखेंगे और उसके पहले जाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, भाग जाएंगे वहां से और बैनर लगाएंगे। रात के 12 बजे वो बाइबल का उद्घाटन, जिसका उद्घाटन माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने दूसरे दिन करने वाले थे, ऐसा लगता है उनको कि नारियल फोड़ दिया कि लोगों को लगेगा अरे ये काम तो हमने किया है। अरे लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग आज पढ़े लिखे है, लोगों को पता है कि काम क्या, कौन काम कर रहा है। आज मुझे एक भी काम राज्य सरकार के माध्यम से इधर किया होगा या कोई निधि लाया होगा तो वो मुझे आकर बताइए, मैं उनके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा जब भी सवाल आता है कि खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते आपने क्या काम किया है यहाँ पर, आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस कल्याण लोकसभा में जो कलवा से लेकर अंबरनाथ तक स्टेशन आते हैं, इस कल्याण के सिर्फ रेलवे में 2000 करोड़ से भी ज्यादा काम जो है वो केंद्र शासन के निधि से हमने मंजूर कर चुके हैं और वो काम हम कर रहे हैं। मुंगरा का जो काम आप देख रहे हो स्टेशन का, जहां पर बीम और फिक्स लाइन का काम कई सालों से रुका हुआ था, तभी किसकी सरकार थी? तभी कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, तो खाली ये क्या, तभी उन्होंने ये काम नहीं किया? अक्सर मैं आपको, मैं तो 5 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन हम 15-20 साल से सुन रहे हैं कि फिफ्थ और सिक्स लाइन होगी होगी होगी, लेकिन आज वो लाइन का काम खत्म होने जा रहा है। वहां पर ज्यादा सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, ज्यादा ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद में वाटर ट्रांसपोर्ट का, मतलब सिर्फ आज लोगों को रेलवे से सफर करना नहीं पड़े, इसलिए हमने ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मंजूर कराया, जिसका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है 1000 करोड़ केंद्र शासन से हमने लाया, और वो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने मंजूर किया और उसका काम कई दिनों में, अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसे पूरा एक डेवलपमेंट जो है वो केंद्र शासन के माध्यम से, मतलब आपने मुझे चुनकर दिया है केंद्र का प्रतिनिधि बना के, तो मेरा भी कुछ हक होता है, कुछ जिम्मेदारी होती है कि मेरा जो काम है जो केंद्र से निकले थे, इधर का काम क्या है, रास्ते, फुटपाथ, और वो भी किसके, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नगर सेवक के। आज नगर सेवकों ने जो काम किया है वहां पर खुद का फोटो लगाते हैं कि ये काम मेरे प्रयत्न से, और उनके पार्टी के नगर सेवक खुद जा रहे हैं इन्होंने ये किया तो हमने क्या किया है। तो आप सभी को आज सोचने की जरूरत है कि गए 10 साल में आपको जिन्होंने गुमराह किया है, आप सोचने का बाकी है सबको, तो 10 साल में आपको जिसने गुमराह किया है उस बदलने की स्लोगन है ना यहाँ पे, सोच बदलो गुमराह बदलेगा, तो फिर से आपको सोच बदलनी होगी और आने वाले समय में जो है इस गुमराह की हवा को तो बदलना होगा, और जिसको बदलना है उन्होंने सोच लिया, सोच लिया ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि आज मुंगरा में एक अलग माहौल है, लोगों को एक अलग विश्वास है, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट पे विश्वास है जिसकी डिग्री
सभी बात करती है, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट, मैं सामने वाले कैंडिडेट के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि सामने वाले कैंडिडेट को मतलब आप सब लोगों ने उन पर बात किया होगा क्योंकि उससे हमारी लड़ाई नहीं है। लोगों को पता है कि इस कल्याण लोकसभा में कौन चुनकर आने वाला है और लोगों का एक अलग विश्वास है। आज जाति धर्म के नाम पर अगर कोई उम्मीदवार हो या कोई भी हो अगर बंटवारा करना चाहता है तो आज लोग जो है वो शिक्षित है, लोग पढ़े लिखे है, इस हमें मराठी में बोल रहा हूँ कि धूल का पड़ना बड़ी पड़ता है मतलब जो जुमले है तो ये आज आज हम किसवीं सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पर अगर हम जाति पाति का अगर बात करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को विकास चाहिए और जो विकास हमने 5 साल में किया है लोगों को विश्वास है कि ये टाइम भी 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बहुमतों से जो ये कल्याण लोकसभा की सीट जो है वो चुनकर आएगी। आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस मुमरा में जो है वो काम करो, हर एक घर में हर एक बिल्डिंग में आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। लास्ट टाइम पे जो हमें वोट्स मिले थे मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सबको एक मिनट बाकी है फिर टाइमिंग पक्का ही है, ज्यादा से ज्यादा वोट जो है इस बुमरा से हमें मिलने चाहिए। ऐसे आप सभी से विनती करता हूँ, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के शिवसेना के उम्मीदवार महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सभी महायुति के दलों के जो कार्यकर्ता थे उनका ये सम्मेलन था। क्या कहा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने, किस तरीके की बातें की वो आज इस खबर के जरिए हमने आप तक पहुँचाया है। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।